हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। यानी हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है अगर हमारे पास डी यानी कॉमन डिफरेंस 7 हो और उसकी 22nd टर्म उस एपी की 149 हो। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम वो ले लेते हैं। पहले हेयर हमें डी 7 दिया हुआ है और 22nd टर्म यानी A22 वो हमें 149 दिया हुआ है और हमें निकालना है सम किसका, फर्स्ट 22 टर्म्स का यानी S22 हमें निकालना है। तो अब हमें एक फॉर्मूला पता है, An इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 डी। तो A22 क्या हो जाएगा, A प्लस 22 माइनस 1 डी, यानी A22 हो गया हमारे पास A प्लस 21 डी। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। A22 हमारे पास है 149 इज इक्वल टू, A हमें नहीं पता, 21, D इज 7। तो A हो जाएगा 149 माइनस, इसको सॉल्व किया 147 आया, आंसर इज 2। अब हमें A की वैल्यू मिल गई। जब हमें A की वैल्यू मिल जाएगी तो अब हम S22 इजीली निकाल सकते हैं। तो Sn का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये हमारा Sn का फॉर्मूला होता है। तो S22 के लिए क्या हो जाएगा, 22 बाय 2 2 a अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, 2 n माइनस 1 यानी 22 माइनस 1 इज 21 एंड d इज 7। तो S22 इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्व किया ये 11 हो जाएगा, 4 प्लस 147। तो S22 इज इक्वल टू 11 इंटू, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 151। देयरफॉर S22 इज इक्वल टू 11 इंटू 151, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, 1661। तो हमारे पास S22 ये आंसर आ गया। एक बार फिर से देखते हैं, हमें 22 टर्म्स का यानी फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना था, हमें D दिया हुआ है और 22nd टर्म दे रखी है। 22nd टर्म का मतलब A22 दिया हुआ है, A22 यानी An है हमारा। तो हमने An का फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले A कैलकुलेट किया और जब हमें A मिल गया तो हम S22 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।